हेलो एवरीवन वेलकम टू ब्रे फ्यूचर मेरा नाम प्रिंस चौबे है और आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं करंट अफेयर ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर का तो आइए स्टार्ट करते बिना देर किए हुए और उससे पहले चैनल को जिन्होंने अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो का पर डे का जो अपडेट है वो आप तक टाइम टू तो टाइम पहुँचता रहे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल सके राइट ओके तो आइए देखते हैं का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होने वाला आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सैंड्रा मैसन हैज़ बिन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन सैंड्रा मैसन जो है किस नेशन की जो पहली कहें प्रेसिडेंट बनी है हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है एसटी लूसिया ठीक है ये कंट्री का नाम मैं बता रहा हूँ कि किस कंट्री की बनी है एस टी लूसिया एस टी विंसेट एंड ग्रेनाडाइंस या फिर ग्रेनाडा uh, या फिर बारबाडोस द करेक्ट ऑप्शन इज बारबाडोस बारबाडोस जो है उसकी जो नई प्रेसिडेंट बनी है सैंड्रा मैसन बनी है कहाँ की बारबाडोस की ठीक है आइए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में सैंड्रा मैसन वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ द डोज ऑन अक्टूबर ट्वेंटी बीस अक्टूबर दो हजार इक्कीस में क्या हुआ वो जो है एक नई प्रेसिडेंट बनी है बार्बाडोस की सैंड्रा मैसन आगे बढ़ते हैं Which year did Barbados give her independence from the British? यानी ब्रिटिश से बारबाडोस को जो है किस साल में किस ईयर में इंडिपेंडेंस हासिल हुई थी? तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है 1956, 1966, 1978 या फिर 1954. The correct option is 1966. यानी yani 1966, 1966, 1966 में बारबाडोस को ब्रिटिश से आजादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिला था। बार बार गेन इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन द नवर थर्टीन सिक्सटी सिक्स ये आपको ध्यान में रखना है राइट right? आगे बढ़ते हैं विच एमंगज बिन रिमूव फ्राम एफ एल टी एफ ग्रे लिस्ट फाइनेंशियल जो टास्क फोर्स होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसके लिस्ट से इस बार कौन सी कंट्री को बाहर रख दिया गया है ऑप्शन क्या क्या है मरीसस जॉर्डन टर्की या फिर माली द करेक्ट ऑप्शन इज मरीस मरिसस को जो है इस बार एफ एल टी एफ की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है टू कंट्रीज बोस्तवाना एंड मरीसूव फ्रॉम ग्रे लिस्ट ऑफ देश मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेरिज्म फाइनेंस यानी उन्होंने एक प्रॉमिस किया जो एंटी मनी जो लॉन्ड्रिंग हो रही है जो ब्लैक मनी जो लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको रोकना रोकने की को कोशिश करेंगे वो साथ ही साथ जो टेरिज्म वहाँ से इवॉल्व हो रहा है उसको भी वहां पर रोकने की कोशिश करेंगे इसके बाद इन दोनों कंट्री को बोस्वाना और मरीस को लिस्ट से बाहर कर दिया गया इस बार, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये ये है है। कि बहुत करंट की न्यूज़ म्यांमार टर्की बांग्लादेश या फिर श्रीलंका द करेक्ट ऑप्शन इज टर्की टर्की को अभी क्या किया गया FATF लिस्ट में डाल दिया गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इन मेजर विलो टू नेशंस द फाइनेंशियल एज एक्शन टास्क फोर्स ऑन अक्टूबर ट्वेंटी फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन प्लेस टर्की ऑन इट्स ग्रे लिस्ट फॉर फेलिंग टू चेक टेर फाइनेंशियल एंड रिटेन पाकिस्तान एज वेल यानी पाकिस्तान पहले से इसमें था वो अभी तक बना हुआ है और टर्की को नया अभी एफ ए टी एफ के लिस्ट में डाल दिया गया है क्योंकि वहाँ पर आरोप यह था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो रहा है प्लस वहाँ जो टेरिज्म है वो भी इवाल्व होने की कोशिश कर रही है मेन रीज़न था कि फाइनेंशियल की बात थी वहाँ पर कि वो एक आतंकवादियों को फाइनेंस करने का काम करता है और प्लस मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है इसलिए क्या होगा टर्की को इस बार एफ ए के लिस्ट में डाल दिया गया है यह आपको ध्यान में रखना है आगे बढ़ते हैं हु विल बी ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द फिफ्टी सेकंड इंटरनेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी ये कहां पर होता है गोवा में होता है फिफ्टी सेकंड इस बार हुआ कहा गोवा में तो किसको जो है ये ऑनर्ड दिया जाएगा ऑप्शन हमारे पास क्या है? क्या है मार्टिन

जोरिसा मॉस a new न्यू स्नेल has हैज बीन डिस्कवर्ड इन अ केव इन विच स्टेट जॉरिसा है जोरिसा माउस मैनिस एक स्मॉल स्पीसीस है इसको जो है किस केव में कहाँ पे किस स्टेट के अंदर से खोजा गया है हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है मेघालय में नागालैंड में मणिपुर में या फिर अरुणाचल प्रदेश में द करेक्ट ऑप्शन इज मेघालय मेघालय में इसको क्या किया खोजा गया है

ठीक है तो आपको ध्यान में रखना स्पीसीज का नाम क्या है स्पीसी का नाम है माउस ये आपको ध्यान में रखना है आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है इज पुलिस डे द तो पुलिस जो है कॉमोरेशन डे कब जो है ऑब्जर्व किया जाता है ऑप्शन क्या हमारे पास है अक्टूबर ट्वेंटी अक्टूबर ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी सेकेंड या फिर अक्टूबर ट्वेंटी थर्ड द करेक्ट ऑप्शन इज अक्टूबर ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी फर्स्ट पुलिस कॉमोरेशन कॉमोरेशन डे इज़ ऑब्जर्व ऑन अक्टूबर ट्वेंटी फर्स्ट एवरी ईयर फिफ्टी नाइन टू पे ट्राब्यूटर लाइफ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ड्यूरिंग द्लैस विद चाइनीज ट्रूप एज वेल पुलिस डूरिंग सर्विस यानी वो पुलिस जो चाइनीज ट्रूप्स में मारे जाते हैं या फिर मारे गए हैं और जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान अपनी लाइफ को जो है वो निछावर कर दिया था उनके लिए ये मनाया जाता है और कब से नाइनटीन से अभी तक ये चला आ रहा है और ये कब सेलिब्रेट हुआ इस बार इस बार सेलिब्रेट हुआ इक्कीस अक्टूबर को ये टोटल सात क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है आज का आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें थैंक यू मच